एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे BEL के, जो मैंने आपको बताया थे कि जो है इनका ई वोटिंग शुरू हो चुका है। तो बेसिकली ई वोटिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, भी मैंने आपको बताया था। आज बात करेंगे ई वोटिंग करने के बाद क्या होता है। जी अगर जैसे आप ई वोटिंग कम्प्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ई मेल आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मेल फ्रॉम CDSL आपका ई रिपोर्टिंग। यहाँ पे देखिए डियर सर और मैडम, आपको यहाँ पे लिखा होगा EVSN नंबर आपका होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखिए द EVSN विद द फॉलोइंग डिटेल्स आर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा होगा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी का नाम होगा के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं EVSN नंबर यहाँ पे लिखा होगा। वोटिंग पीरियड कब से वोटिंग था और आपने कब किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी, आपका जो भी यूजर आईडी होगा यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन योर डीमैट अकाउंट फोलियो, यानी कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में इस कंपनी के कितने शेयर्स रखे हुए हैं ये यहाँ पे बताएगा। इसको मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। दूसरी बात करते हैं वोट्स रिकॉर्डेड इन करंट सेशन, यानी कि आपने कितने वोट्स किए हैं, कितने क्वेश्चन थे और आपने कितने अटैम्प्ट किए और कितने आपने छोड़ दिए हैं। रेजोल्यूशन यू वोटेड कितने, आठ में आठ क्योंकि आठ ही क्वेश्चन थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन थे जो आपको अटैम्प्ट करने थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, रीजन नंबर, उसके बाद रेजोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद चॉइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बस मैं एक दो पढ़ूंगा, सारे नहीं पढ़ूंगा। ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एडॉप्शन ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ऑडिटर्स दे आर ऑन, ठीक है। यहाँ पे आपको चॉइस बताया गया था कि आपको क्या करना है, आंसर येस या नो में देना है। आई एंड वी असेंट टू द रेजोल्यूशन या फिर डिसेंट टू द रेजोल्यूशन, कौन सा वाला आपको अटेंड करना था, तो यहाँ पे मेंशन किया। उसी तरीके से देखिए दूसरा देखिए कन्फर्मेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे देना है नहीं देना, तो डेफिनेटली इसको मैंने येस कर दिया है, ठीक है। येस जो भी शेयर होल्डर थे उन्होंने यस किया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर थे इनका नाम जो है आप देख सकते हो भानु प्रकाश, इनका रिटायर्ड हो चुका है, शायद इनको वापस से रीअपॉइंटमेंट करने की बात कर रही है, तो यहाँ पे भी आप यस नो आपके हिसाब से दे सकते हो। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरीके से 9 टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं और आपने जो है सिंसियरली सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है, वोटिंग करनी है, क्योंकि वोटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको डिविडेंड में हमेशा यस करना है, ठीक है, कि हाँ मुझे डिविडेंड पे आउट चाहिए, इतना जितना भी मिल रहा है कंपनी की तरफ से वो मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो, यहाँ पे और एक मैसेज आता है, आप देख सकते हो डियर इन्वेस्टर यू हैव सक्सेसफुली कास्टेड योर वोट ऑन 8 रेजोल्यूशन ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर इवेंट नंबर, जो भी आपका नंबर होगा, यूजिंग CDSL ई वोटिंग सर्विसेज। द अबव इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव फ्रॉम योर ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर CDSL एंड यू मे कॉन्टेक्ट देम इफ एनी डिस्क्रेंसी ओकर, ठीक है। तो ये मैसेज भी आपको आ जाता है, ई वोटिंग स्टेटस आप देख सकते हो। इसी तरीके से ईमेल आपके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसी वीडियो से आपको मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।